नमस्कार, मैं रणकी सिंह सर्वोदय पंडित में आपका स्वागत है। ये नजर डालें आज के खास खबर पर। रामनगरी अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या स्थित सरजू तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पतित पावन माँ सरजू में स्नान कर आचमन किया। सरजू स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने अयोध्या के मठ मंदिरों में पहुंचकर अपने गुरु आराध्य भगवान की पूजा अर्चन किया। वहीं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हनुमानगढ़ी पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त किया। अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट। आराम से जाओ ना, गिर जाओ। इधर से इधर देखिए, प्रमुख बात तो ये है कि अयोध्या में साधु संत सबसे विशेष जो है, अयोध्या में 7,500 मठ मंदिर हैं। जो भी श्रद्धालु अपने गुरु जी से मंत्र लिए हुए हैं, या परंपरा चली आ रही है कि इस दिन गुरु का दर्शन करना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, उनके हाथों से प्रसाद लेना चाहिए, वही मर्यादा त्रेता युग से आज भी चली आ रही है। गुरु वशिष्ठ महाराज सब ऋषियों के जमाने से यह परंपरा चली आ रही है और लोग उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कोरोना काल से भक्तों को कोई अव्यवस्था ना हो। माँ सरयू, रामलला, हनुमान जी सबकी रक्षा करें और आए हुए राम भक्त सकुशल स्नान एवं दर्शन करके अपने घर वापस जाएं और भारत एवं समस्त विश्व, या कोरोना काल जो लगभग 1.5 वर्षों से पूरे विश्व में चल रहा है, उससे जल्द से जल्द मानव जाति को छुटकारा मिले। धन्यवाद। हमारा सीताराम पांडे में तीर्थ पुरोहित समाज का अध्यक्ष हूँ।